हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप लोग गूगल पर फाइंड कर रहे हो अपने डिवाइस के लिए स्टेबल कस्टम रोम, हालांकि अगर आप लोग रेडमी नोट 5 प्रो को यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए मैं एक नया कस्टम रोम लेके आया हूँ डॉट ओएस का, जिसका वर्जन है 5.0। मार्केट के अंदर इसे डॉट ओएस 5.0 के नाम से लॉन्च किया गया है और ये हमारे रेडमी नोट 5 प्रो के लिए स्टेबल अपडेट आया है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप इसके अंदर स्टेबल अपडेट यूज़ कर रहे हो तो मतलब आपको इसके अंदर कोई बग देखने को नहीं मिलेगा, एंड इसके अंदर जो भी सिक्योरिटी पैच वगैरह देखने को मिलता है एकदम लेटेस्ट है। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस कोई इशू नहीं है, आपको आराम से आप इसे यूज़ कर पाओगे। एंड्रॉयड वर्जन आपको लेटेस्ट मिलता है। और आपको क्या चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में, या फिर कहें तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया है इसका बूट एनिमेशन, उसके बाद आया है इसके एनिमेशन वगैरह जो भी इसके डॉक वगैरह के हैं, मतलब जो भी इसके एनिमेशन हैं कस्टम रोम के अंदर, ये मुझे सब कुछ पसंद आया है यहाँ पे यार। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे इसका रिव्यू आप सभी के लिए होने वाला है, कितना स्टेबल कस्टम रोम है ये और कितना नहीं। तो चलो इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबा लेना, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख पाओ। ओके गाइस, अभी हमने कर ली है वीडियो को शुरू, एंड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ इस कस्टम रोम के बारे में। अभी फिलहाल आपकी भी आंखें हैं, आप यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी वीडियो को मैं स्किप नहीं करूँगा, कहीं से भी काटूंगा नहीं, एकदम सही से वीडियो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस खुद पे खुद पता चल जाएगा। अभी इसका जो नोटिफिकेशन बार है या कहें तो ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ आप एकदम अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो। एंड जब आप इसकी सेटिंग को ओपन करते हो तो आपको इसके अंदर अबाउट दिखता है, वो MIUI 12 जैसा अबाउट देखने को मिलता है। अगर आप कस्टम जो स्टॉक रोम होता है MIUI 12 का, वो यूज़ करना काफ़ी पसंद करते हो तो आप उसको लीव नहीं करना चाहते हो। बेसिकली यार वो बहुत लैग होता है नए नए अपडेट के साथ साथ, लेकिन आपको वैसा ही थोड़ा सा UI देखने को मिलता है, तो सभी लोग इसे भी आराम से यूज़ कर पाओगे। अभी इसके अंदर आपको Android 11 भी देखने को मिल जाता है, जो मैंने आप सभी को पहले ही दिखा दिया है। सिक्योरिटी पैच इसका लेटेस्ट देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे लैग प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे जो भी स्टोरेज वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहती है, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत होने वाली है। अभी बात की जाए इसके कैमरे वगैरह की, वो भी सब कुछ कूल है यार। एंड जहाँ तक मुझे पता है, देखो मैं बेसिकली कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल करता हूँ ना डिवाइस के अंदर, तो मैं उसे पहले ट्राई करता हूँ। ऐसा नहीं है अभी डाउनलोड किया, वीडियो बना के आपको भेज दिया वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं करता हूँ यार। पहले मैं चेकआउट करता हूँ कि कितना स्टेबल है कितना नहीं। तो गाइस देखो, स्टेबल चेक करने में लगभग 2 या 3 दिन लग जाते हैं हमें, तो इसी प्रकार से मैं वीडियो लाता हूँ ताकि आप सभी को बता पाऊँ कि यार कितना स्टेबल है। एंड मेरे हिसाब से यार, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी स्टेबल आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आप यार स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हो, एम्बिएंट डिस्प्ले नाम का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। अभी सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ, जो भी पुराने डिवाइसेज हैं ना, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और जो भी कस्टम रोम प्रोवाइड किया जाता है ना, उसके अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है, बल्कि वो लेटेस्ट फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे पुराने फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। चलो यार, ये तो मतलब एक बात तो हमारी काफी खुशी की हुई है। उसके बाद बैटरी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, और यहाँ पे आपको कुछ यार नए नए ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं कि कितना टाइमर लगाना है, अभी क्लॉक का कितना कस्टमाइजेशंस करना है, बैटरी का परसेंटेज स्टाइल क्या रखना है वगैरह वगैरह। देखो यार, सबसे पहले आपको बताऊं, अगर आप डॉट ओएस को अपने डिवाइस के अंदर यूज करते हो ना, तो इसका जो इंटरफेस है आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने के अंदर, मतलब अगर आप इसे पहली बार इंस्टॉल कर दे तो आपको समझने में काफी दिक्कत हो सकती है। मैं कह रहा हूँ हो सकती है, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे सीख ही जाओगे, क्योंकि आपने अपने डिवाइस के अंदर इसे इंस्टॉल किया है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप इसे नहीं सीखोगे। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पुरानी कस्टम रोम्स जो भी नई नई कस्टम रोम्स आ रही हैं, इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है यार, जब बच्चा बच्चा यूज़ कर लेता है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। अभी इसका इंटरफेस कुछ अलग लगा, मुझे काफ़ी कूल भी लगा। और इसके अंदर जो भी हमें यार, मतलब ये जो स्क्वायर जैसा बॉक्स है ना, इसके अंदर वाटर टाइप जो बबल टाइप ऐसे एनिमेशन देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी कूल लगा। एंड यहाँ पे आप बहुत सारा चेंज कर सकते हो, स्टेटस बार चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, थीम वगैरह भी लगा सकते हो यार, कस्टम आइकन्स भी चेंज कर सकते हो। अभी मुझे नहीं पता कि मैं आपको कितने फीचर्स इसके बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। गेमिंग मोड भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाए,
जाता है सेटिंग के अंदर, लेकिन वो एडिशनल सेटिंग के अंदर होता है तो आपको वो फाइंड करना पड़ेगा। उसके अलावा और भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि इसके थीम वगैरह को भी, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। देखो कई बार कस्टम हम इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करती है ना, हम भी यार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या आपको बताया जाए। अभी सारे फीचर एक बार में यूज करना काफी खतरनाक हो सकता है आपके डिवाइस के लिए, क्योंकि आपका डिवाइस काफी लैग हो सकता है। तो ये जितने भी फीचर्स हैं आप आराम से यूज करो, जब आपका मन करे चेंज करो वगैरह वगैरह। आप मतलब जो काम करना है आपको आराम से करना है, क्योंकि आप सभी को पता है आपका डिवाइस कोई 32 GB वाला रैम नहीं है। आराम से यूज करना पड़ेगा आपके डिवाइस को, एंड यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है कोई भी काम से पहले। कई बार ऐसे होता है भी बंदे बहुत तेजी से करते हैं काम यार। अभी मानते हैं तुम्हारी स्पीड काफी फास्ट है, तुम तो भाई यार फास्ट मतलब क्या ही बोलूं, बहुत फास्ट हो यार तुम तो, मतलब यहां से भागोगे दिल्ली पहुंच जाओगे, ठीक है। मतलब इतनी फास्ट कई बंदे करते हैं ना, तो फास्ट फास्ट में दिक्कत ही आती है कि आप कुछ प्रॉब्लम कर देते हो। अभी फास्ट फास्ट के अंदर हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हमने कर क्या दिया है। अभी ऐसे केसेस में हमारा फ़ोन डेड भी हो सकता है, हमने कुछ पार्ट को हम मिसिंग किया है वीडियोस के अंदर, या फिर कहें तो कुछ यार यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, कुछ बग्स देखने को मिल सकते हैं आपको वगैरह वगैरह। देखो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी बहुत फास्ट करता था, लेकिन अभी मुझे अकल आई है, मैं आराम से यूज़ करना शुरू कर दिया है सबको। कस्टम हम कैसे इंस्टॉल करना आराम से ही बताता हूँ। अगर मैं जल्दी से बता के निकल गया तो भाई आप कहोगे कि वीडियो सही नहीं बनाया, सही से नहीं समझाया है, मतलब क्या यार। अभी देखो साउंड की बात की जाए तो साउंड वगैरह एकदम सही है इसका, और यहाँ पर दूसरी कस्टम रोम के मुकाबले इसके अंदर माइक का भी काफ़ी अच्छा सेटिंग किया गया है, और नॉइज़ कैंसलिंग की बात की जाए वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन की गई है। अभी यहाँ पे बात की जाए इसके सिस्टम की, तो सिस्टम के अंदर ही आपको सिस्टम अपडेट देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है एकदम ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल के अंदर आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, एंड शायद इसके अंदर आपको OTA अपडेट की सपोर्ट भी देखने को मिल गई होगी। उसके अलावा डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी यार यहाँ पे मतलब वायरलेस डिबगिंग आपको देखने को मिल जाता है। USB डिबगिंग सबसे मेन होता है, अगर आप एक कस्टम रोम को अपने डिवाइस के अंदर यूज़ करना चाहते हो, अपने PC के साथ अपने डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर कुछ भी यार, तो USB डिबगिंग को हमेशा ऑन रखो, एंड यहाँ पे आपको सिस्टम नेविगेशन भी देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब सब कुछ मैंने आपको बता दिया है क्या कुछ आपके डिवाइस के अंदर वर्किंग है और क्या कुछ नहीं। तो चलो अभी हम यहाँ पे मेन बात करते हैं कि कैसे आप इसे अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। अभी सबसे पहले आपको मैं बताऊँ, मेरे पास है Redmi Note 5 Pro, एंड आप इसके अंदर कैसे इंस्टॉल करोगे। सबसे पहले जो फाइल मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड की है, वही फाइल को आपको डाउनलोड करना है। कहीं पे भी गूगल पे फाइंड नहीं करना है, कहीं से भी जाके नहीं उठाना है, किसी की वीडियो के नीचे से नहीं उठाना है। जो लिंक मैंने अपनी वीडियो के नीचे प्रोवाइड किया है आपको वहीं से जाके डाउनलोड करना है। अगर आप किसी और से लिंक से करोगे तो आपका डिवाइस डैमेज हो जाता है, तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये, क्योंकि आपकी ही गलती है। उसके बाद सबसे पहले आपको यार वाइप करना होगा अपने पूरे डिवाइस को, अगर आपके डिवाइस के अंदर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल है तो। यार सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको काफ़ी टाइप की कस्टम रिकवरीज को इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके पीच ब्लैक हो गया, ऑरेंज फॉक्स हो गया वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे पीच ब्लैक का यूज़ करो। सबसे पहले अपने डिवाइस को वाइप करो, एडवांस वाइप में जाके डेलवे कैची सिस्टम वेंडर्स वगैरह वगैरह सबको वाइप करो। उसके बाद जो मैंने आपको कस्टम रोम प्रोवाइड किया है उसे आप क्लिक करो एंड फ्लैश करो। हालांकि इसके अंदर आपको जी एप्स भी देखने को मिल जाती हैं, जी एप्स आप यहाँ पे गूगल की भी डाल सकते हो यार, कोई भी गूगल ऐप्स आप डाल सकते हो, नीको की डाल सकते हो, मतलब बहुत सारी गूगल ऐप्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो बस आपको ये सब कुछ करना है। उसके बाद आपको मैं बता दूं यहाँ पे आपका जो कस्टम रोम है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, एंड यहाँ पे मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ पे मतलब वीडियो को फास्ट कर दिया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद आपको मैं बता चाहूंगा गाइस, देखो हमारे जो फोन के अंदर है वो सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली अपने डिवाइस को रिबूट करना है। लेकिन अगर आप अपने डिवाइस को रूट करना चाहते हो, मैजिक इंस्टॉल करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो, सबसे पहले कर लो क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हम अपने सिंपली डिवाइस को रिबूट सिस्टम पे क्लिक करके कर देंगे। अभी आप सबसे पहले देख सकते हो यार यहाँ पे गूगल का लोगो आ जाएगा, एंड यहाँ पे पावर्ड बाय भी लिखा आएगा, जो कि एक पोर्ट रोम है हमारे डिवाइस के लिए। अभी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यार पोर्ट रोम है कौन सा है कौन सा, मतलब ऑफिशियल है तो मतलब सही है यार, बस मतलब टेंशन मत लो यार, मतलब जो मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया है ना वो एकदम अच्छा किया है, सही किया है, तो बस भरोसा रखो अपने भाई पे। तो मैं आपको जो भी चीज़ देता हूँ एकदम 100% सही देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसका बूट एनिमेशन आपको सामने दिख चुका है, एंड मैंने वीडियो को अभी भी स्किप नहीं किया है, मैंने सिर्फ वीडियो को फास्ट किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। एंड हाँ गाइज, मेरी वीडियो फास्ट करने से मतलब ये नहीं कि मेरी वॉइस भी फास्ट हो गई है, वॉइस मैंने खुद ही फास्ट की है क्योंकि मुझे काम था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारा जो फोन है यहाँ पे बूट अप ले चुका है। अभी मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो हेल्पफुल लगा तो यार बस यार चैनल पर बने रहो। ओके मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक।